मौका बहुत जल्द दस्तक देने वाला है। होली के कुछ दिन पहले ही हमारे रितेश पांडे जी ने एक समारोह आयोजन किया है जिसमें भोजपुरी के काफी सारे कलाकारों के साथ साथ पत्रकार भी शामिल हुए हैं। तो रितेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि हमें आपने इन्वाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आए, और आप लोगों के माध्यम से हमारे सभी दर्शक बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे रितेश जी ने पूरा कलर मुझे लगा दिया। रितेश जी, दूसरा साल है आज भोजपुरी मिलन समारोह का, तो कैसे सोचा गया कि इस तरह का समारोह रखा जाए? हमें आइडिया पिछले साल ही घर से आया, मैं बनारस में था, सब लोग हमारी माई से मिलने के लिए आ रहे थे, तो हमने सोचा कि जब सब लोग हमारी माई से मिलने के लिए आ रहे हैं, गाँवों के लोग, अगल बगल के पड़ोस के लोग, तो क्यों ना हम लोग एक परिवार हैं, हम लोग का भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक परिवार ही है, तो क्यों ना एक ऐसा आयोजन भोजपुरी इंडस्ट्री में किया जाए कि सब लोग आए और एक साथ, एक साल में कम से कम एक दिन ऐसा हो कि सब लोग बिना मतलब के आए और होली का जो त्यौहार है, जो होली का मतलब होता है, जो कि सारे गिले शिकवे भुला के फिर से आपसी भाईचारे को बढ़ाना, तो वो प्रबल करें, वो मजबूत करें हम लोग अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आपसी भाईचारा है, तो यही उद्देश्य है हमारा, और धीरे धीरे हम लोग एकदम सफल हो रहे हैं अपने उद्देश्य में। रितेश जी, बहुत सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, और कौन कौन से कलाकार हैं जो आने वाले हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अभी बड़े भैया मनोज तिवारी जी आने वाले हैं, दिनेश लाल यादव जी आने वाले हैं, पवन भैया आने वाले हैं, और कोई भी छूटा नहीं, सब लोग जो मुंबई में अवेलेबल है सब लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है रितेश जी की, जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी, उन्होंने अपना जो होली समारोह था वो कैंसिल कर दिया क्योंकि कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है वो सब जगह फैला हुआ है, उसके बावजूद आज मुंबई में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके मौके पर क्या कहेंगे? इस मौके पर यही कहना चाहेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष के, उन्होंने ऐसा किया होगा तो कुछ सोच के ही किया होगा, और एक हिसाब से हम सभी के गार्जियन स्वरूप हैं, हम सभी भारतवासी के गार्जियन स्वरूप हैं, तो वो कुछ फैसला लिए होंगे तो सोच समझ के लिए होंगे, बाकी मेरे ख्याल से वो यही सोच के लिए होंगे कि जो होली मिलन समारोह में उनका टाइम जाएगा, वो टाइम ये जो खतरनाक वायरस है कोरोना, उससे लड़ने के लिए कुछ युक्ति बनाएँ, कुछ योजना बनाएँ, मेरे ख्याल से मेरा मत है कि यही काम कारण होगा उनके होली मिलन समारोह नहीं करने का, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार, चाहे जो भी हो, जो भी सरकार हो जिस भी राज्य में, सभी सरकारों को ईश्वर शक्ति प्रदान करें इस खतरनाक वायरस से लड़ने का, और जीते भी।